स्वरा भास्कर फंस गई हैं बड़ी मुसीबत में। ट्विटर पर भड़काऊ बयान देने की वजह से हो गई है उन पर एफआईआर। आखिर क्या है ये मामला, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो जो है सभी जगह वायरल हो रहा था, जिसमें एक एल्डरली मैन को अक्यूज लोगों ने, जो भी बॉयज अक्यूज रहे, उन्होंने मारपीट करते हुए इनकी दाढ़ी चॉप आउट कर दी और इनफैक्ट उनसे जय श्री राम के चैंट्स करवाने की भी मांग की, जो कि बिल्कुल झूठ करार कर दिया है पुलिस ने, जो गाजियाबाद की है। जी हाँ, जो ये केस और जिस तरीके से ये सर्कुलेट हो रहा था सब जगह कि इन लोगों ने, जो अक्यूज्ड है, उन्होंने इन एल्डरली मैन को जय श्री राम ना बोलने की वजह से मारपीट की है और उनकी दाढ़ी काट डाली है, वो बिल्कुल झूठ है। ये क्लेम्स बिल्कुल फर्जी है। हालांकि मारपीट हुई है, वो वीडियो सच है, लेकिन उसका ऑडियो म्यूट होने की वजह से ये क्लेम्स जो है सच प्रूव नहीं हो पा रहे हैं। और गाजियाबाद पुलिस ने जब तहकीकात की है तो पता चला है कि एक्चुअली वो एल्डरली मैन ताबीज बनाने का काम करते हैं और ये लड़के उनके ताबीज बनाने के काम से खुश नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। इन लड़कों को अरेस्ट तो कर लिया गया है, लेकिन एक कम्युनल टेंशन के चलते कई सारे लोगों ने ऐसे भड़काऊ बयान दिए हैं ट्विटर पर कि जिसके बाद एफआईआर हो गई है स्वरा भास्कर पे और साथ ही ट्विटर इंडिया के सीईओ पे भी, इंडियन हेड पे भी। दरअसल बता दें कि स्वरा भास्कर ने कहा है कि मुझे अपने धर्म पर शर्म आती है कि कैसे लोग जो है अपने धर्म को ग्लोरीफाई करने के लिए दूसरे धर्म के लोगों से जय श्री राम बुलवा सकते हैं, जबकि ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है, ना ही वीडियो में सुनाई दे रहा है कि अक्यूज ने, जो विक्टिम है, उससे जय श्री राम बुलवाने की मांग की हो। वहीं बताया जा रहा है कि ट्विटर हेड की ऊपर भी हो गई है, इंडियन हेड पर भी हो गई है ये कार्रवाई, क्योंकि उनका इंटरमीडियरी राइट छीन लिया गया है, बिकॉज ट्विटर डिड नॉट कंफाई बाय द नॉर्म्स विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉन्टेड देम टू डू। तो ऐसे में स्वरा भास्कर के लिए बढ़ गई हैं मुश्किलें, उनको अब एक ये केस जो है फाइल करना पड़ेगा, जहां पर उन पर कम्युनल टेंशन को बढ़ाने के लिए और उन टेंशन को और भी हवा देने की बात को कहते हुए उन पर हो गया है ये केस। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी खबर के बारे में, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं इसी तरीके से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।